हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं हूं सुनील कुमार के टी हेयरस्टाइलिस्ट। सर, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दिस लेटेस्ट हेयरस्टाइल है ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा इस हेयरस्टाइलिंग को सीखने के लिए। सो डोंट बी डिले, लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं हूं सुनील कुमार केटी हेयरस्टाइलिस्ट। और इस हेयरस्टाइलिंग के लिए सबसे पहले आपको करनी है नई टेन क्लीन ब्लोर आई क्रिम्पिंग करनी, तो आप कर सकते हो। वॉल्यूम एंड टेक्सचर के लिए ए टू एयर पार्टीशन लेना है आपको। देन हम स्टार्ट करेंगे बैक से। टॉप एरिया से आपको सबसे पहले एक सेक्शन लेना है, इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम टॉप एरिया से एक सेक्शन लेंगे, थोड़ा हम फ्रंट से रखेंगे, फ्रंट टॉप से लेंगे। इसको आपको हल्का बैक कॉम करना है, इस तरीके से स्प्रे करेंगे और जस्ट आपको उसको आगे की तरफ डाल देना है। साइड कॉर्नर से भी आपको सेम थिकनेस के आपको सेक्शन लेने हैं, जस्ट आपको बैक कॉम करना है और जस्ट आपको सारे सेक्शंस को जो है आगे की तरफ बैक कॉम करके डालते रहना है। ये देखिए, इस तरीके से हम बैक कॉम करेंगे। ये बैक कॉम हम इसलिए कर रहे हैं थोड़ा सा बैक वॉल्यूम के लिए, ताकि हमें थोड़ा बैक वॉल्यूम मिले। बैक वॉल्यूम से जो हम पफ क्रिएट करते हैं उसके लिए हम ये बैक कॉमिंग कर रहे हैं। ये देखिए, देन आपने जो भी सेक्शन बैक कॉम किए हैं उनको आपको जस्ट पीछे जो बाल हैं उनके साथ में आपको मर्ज कर देना है। ये देखिए, सारे बालों को हम पीछे ले लेंगे। ये देखिए, जस्ट आपको सारे बालों को आपको जस्ट पीछे लेना है। देन आपको कॉम करना है इसको, पीछे के बालों के साथ में आप इसको मर्ज कर दो कि हमें वॉल्यूम चाहिए था तो वो वॉल्यूम हमने क्रिएट कर लिया है। अगर आपको साइड सेक्शन से आपको लगता है कि बैक कॉम होना चाहिए और भी, तो आप एड ऑन कर सकते हो। या आपको सेक्शन और भी चाहिए तो फ्रंट से बैक कॉमिंग आप कर सकते हो। देन हम करेंगे ओसिस प्लस का हेयर स्प्रे फॉर शाइनिंग के लिए। ये देखिए, जस्ट आपको अगेन इसमें कॉम करनी है, अच्छे से आप इसको कॉम कर लेंगे। देन दोस्तों, जो भी आपने सेक्शंस पे, जिन सेक्शंस पे आपने बैक कॉम किया हुआ है, उन सेक्शंस को आप सारे सेक्शंस को एक साथ में ले लेंगे, एक हाथ में ग्रिप करेंगे हम इसको। ये देखिए, आप अच्छे से इसको कॉम कर लीजिए। सारे जो भी सेक्शन आपने बैक कॉम किए हुए थे, आपको जस्ट सारे सेक्शन को एक हाथ में उसको ग्रिप करना है। सारे सेक्शन को हम आप इकट्ठा ले लेंगे, एक साथ ले लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको अच्छे से कॉम करना है। देन आपको इसको लोअर पॉइंट पे ले जाना है, जहाँ पे आपने इसको पिन अप करना है, तो आपको हाथ वहीं रखना है। जस्ट सारे बालों को आपको उस पॉइंट पे आपको ग्रिप करना है। देन हम इसको सेक्शन क्लिप से आपको उसको होल्ड करना है, या स्टील वाली सेक्शन क्लिप से आप उसको होल्ड कर सकते हो इस तरीके से। देन दोस्तों, आपको क्लिप लगाने के बाद में, इसको होल्ड करने के बाद में, इसमें हम लाइंस उठाएंगे। लाइंस आपको थोड़ी डीप लाइंस उठानी है और थोड़ी आपको डिस्टेंस में उठानी है। थोड़ी ब्रॉडर लाइन उठाएंगे हम और थोड़ी डिस्टेंस में आपको ये लेयर्स उठानी है, लाइन या लेयर जो भी आप कहते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको ये लेयर्स मेंटेन करनी है, बनानी है। जस्ट डाउनवर्ड्स की तरफ मैं इनको कॉम कर रहा हूँ और थोड़ा डिस्टेंस में मैंने ये लाइंस उठाई हैं, ताकि थोड़ा ये डीप लगे और थोड़ी ब्रॉड लगे। इस तरीके से आपको ये लाइंस उठानी है। अगर आपको बहुत शार्प चाहिए लाइंस, तो आपको इनको थोड़ा थिन उठाना पड़ेगा और थोड़ी ब्रॉडर भी आपको ये उठानी पड़ेंगी। थोड़ी थिन और थोड़ी डिस्टेंस में उठाइए, तो इनकी बीच की डिस्टेंस जो है वो काफ़ी अच्छी आएगी, डीप इनकी डेप्थ थोड़ी अच्छी आएगी। ये देखिए, लेकिन इसमें हमने थोड़ा इनको ब्रॉडर उठाया है, थोड़ा डिस्टेंस रखा है बीच में, लेकिन ब्रॉडर हमने इसमें लेयर उठाई हुई हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको लेयर्स उठाना है। देन नीचे जिस पॉइंट पे आपने इसको सेक्शन क्लिप से होल्ड किया है, वहाँ पे आप इसको बॉबी पिन से टाइट करके लॉक कर लेंगे। बॉबी पिन से जब भी आप इसको लॉक करते, तो आपको सेक्शन को क्रिस क्रॉस कर देना है बॉबी पिन को, ताकि आपका सेक्शन जो है लॉक हो जाए, वो खुले ना। आपको जस्ट बॉबी पिन को क्रिस क्रॉस करके सेक्शन को लॉक करना है। ये देखिए, इसको आप टाइट करके लॉक कर लेंगे इस तरीके से। आप इसको बॉबी पिन से आप सिक्योर कर लेंगे, ताकि ये सेक्शन खुले ना। देन आपको फ्रंट के लिए कुछ बार आपको उसको सेंटर पॉइंट पे कुछ बाल ले लेने हैं, और साइड कॉर्नर से आपको दोनों साइड कॉर्नर से बाल आपको आगे डाल देने हैं। यानी नोवा गोल्ड का हेयर स्प्रे मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर होल्डिंग के लिए। ये स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे है, इसकी 4 या 5 लेवल इसकी होल्ड पावर होती है, तो आपको होल्ड स्प्रे यूज़ करना है जो भी आपके पास में अवेलेबल हो।
टाफ्ट का हो, ओसिस का हो, या लॉरियल का हो, या गैट्सबी का हो, बहुत सारे स्प्रे मार्केट में अवेलेबल है। तो जो भी आप स्प्रे यूज़ करते हो, स्प्रे फॉर होल्डिंग स्प्रे बोलते हैं इसको, कि आप जैसे स्टाइलिंग आप बनाते हो उसकी होल्डिंग के लिए ये हेयर स्प्रे हम यूज़ करते हैं। तो ये जस्ट हम इसको स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे से, होल्ड स्प्रे से हम इसको होल्ड कर रहे हैं और उसके शेप को मेंटेन कर रहे हैं जैसे हमें ये चाहिए। बीच बीच में आप ये जुड़ा पिंस आप लगा सकते हो इनकी होल्डिंग के लिए, क्योंकि आप जैसे स्प्रे करते जाओगे वैसे ये लेयर्स जो हैं सेट होती जाएंगी। तो आपको उनके सपोर्ट के लिए जुड़ा पिंस लगा देनी है इस तरीके से। ये देखिए, साथ साथ आप स्प्रे करेंगे और इनको अपने अकॉर्डिंग जैसा ही आपको प्लेस करना है वहाँ पे आप इनको सेट करेंगे। बीच में आप जुड़ा पिंस लगा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम सब पे जो है, जहाँ भी आपने लेयर्स बनाई है सब पे हम जुड़ा पिंस लगा लेंगे, ताकि ये स्टाइलिंग के दौरान ख़राब ना हो और मेंटेन रहे जैसे आपने बनाई हुई है। देन आपको जिस सेक्शंस को हमने पीछे पिनअप किया हुआ है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इसमें आपको स्ट्रॉन्ग बैक कॉम करना है, क्योंकि हमें इसका बेस बनाना है दोस्तों। अगर आप बैक कॉमिंग करना अवॉइड करना चाहते हैं, आपको बैक कॉमिंग नहीं करना है, तो आप जस्ट यहाँ पे स्टफिंग आप यूज़ कर सकते हो इस पॉइंट पे। ये देखिए, तो जस्ट आपको ये बैक कॉम करना है, नहीं तो आप यहाँ पे स्टफिंग, डोनट, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो, लॉन्ग स्टफिंग आप यूज़ कर सकते हो। डोनट को शेप में आप बनाना शेप में लेके आप इसको रोल करके, जैसे ऐसे मैं रोल कर रहा हूँ ऐसे आप इसके अंदर लगा सकते हो विदाउट बैक कॉम करके। अगर नहीं है तो आपको जस्ट बालों पे ही बैक कॉम करना है, जस्ट आपको ऐसे स्टफिंग लगानी है इसमें। ये हम इसका बेस क्रिएट करेंगे इस तरीके से, बॉबी पिन से हम इसको सिक्योर कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, साइड कॉर्नर से भी आपको इसको सेट करना है। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको सेट करोगे। देन दोस्तों चलते हैं हम फ्रंट की तरफ। फ्रंट में हम सबसे पहले जो रिसीजन एरिया होता है वहाँ से हम सेक्शन लेके इसको टॉप पे हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। देन हम साइड सेक्शन पे वर्क करेंगे, साइड कॉर्नर्स के सेक्शन पे। जस्ट आप इसको दो सेक्शन में आप इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको बैक कॉम करना है हल्का सा, स्प्रे करेंगे। देन फ्रंट वाले सेक्शन को भी आपको बैक कॉम करना है, स्प्रे करना है। और जस्ट इसको हम स्प्रेड करते हुए, स्प्रेड टेक्निक हम यूज़ करेंगे, आपको उसको स्प्रेड करते हुए पीछे ले जाना है, कॉम करना अच्छे से, नीट करना है इसको, देन स्प्रेड करना है। ये देखिए, आपको जस्ट कॉम करना है इस तरीके से, आप इसको स्प्रेड करोगे डाउनवर्ड्स। देन हम इसको जस्ट पीछे ले जाएंगे और जहाँ भी आपने पीछे पिनअप किया हुआ है या स्टफिंग जो आपने बेस बनाया है उसके ऊपर आप इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए, जस्ट आप इसको लाइंस को आप उठा सकते हैं इस तरीके से, आप इसमें भी लेयर्स बनाएंगे। ये देखिए, आपको सेम लेयर बनानी है जैसे आपने बैक में बनाई है वैसे आपको साइड कॉर्नर्स पे भी बनानी है लेयर। ये देखिए, हम इसको बॉबी पिन से टाइट करके लॉक कर लेते हैं। देन आपको स्प्रे करना है, नीट करना है इसको, और भी आप इसमें शार्पनेस दे सकते हैं, देखिए जैसे मैं दे रहा हूँ। स्प्रे करना है आपको, देन आपको चलना है टॉप सेक्शन पे। इसको जस्ट आपको फ्रंट के लिए हम सेक्शन छोड़ेंगे, देन आपको इसको स्प्रेड करते हुए पीछे ले जाना है, जस्ट फॉल में ले जाना है आपको इसको। जैसे हमने नीचे फॉल दिया है उसी से आपको इसको मर्ज करते हुए जस्ट आपको पीछे ले जाना है, जहाँ पे हमने बेस बनाया है वहाँ पे हम उसको लॉक करेंगे। देन आपको हल्के हाथों से इसमें भी लेयर्स आपको उठानी है इस तरीके से। ये देखिए, जस्ट लाइट लेयर्स आपको उसमें उठानी है, लेकिन उसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए इस तरीके से। ये देखिए, चाहे आप डार्क हेयर के ऊपर वर्क कर रहे हो लेकिन आपको हल्की हल्की लेयर्स आपको उठानी है, कम दिखेंगे लेकिन दिखेंगे ज़रूर। तो इस तरीके से आप उसको ले जाएंगे, जस्ट फॉल में हमें ये लुक देनी है। तो हम सेंटर पार्टीशन के साथ में जस्ट फॉल लुक इसको दे रहे हैं विथ लेयर्स के साथ में। स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे आपको यूज़ करना है, जब आपके लेयर्स फिक्स हो जाती हैं, आपको लगता है कि लेयर्स बन चुके हैं, देन आपको स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे से उसको फिक्स कर देना होता है। सेम टेक्निक हम अदर साइड से भी यूज़ करेंगे। जस्ट आपको टॉप एरिया आपको पहले सेपरेट करना है, सेक्शन लेना है, इसको बैक कॉम करेंगे हम, इसको आपको स्प्रे करना है रूट एरिया पे जहाँ पे आपने बैक कॉम किया है, देखिए। देन इसको भी आपको स्प्रेड करते हुए जस्ट पीछे ले जाना है।
इसको कॉम किया अच्छे से, जैसे स्प्रेड करते हुए इस तरीके से हम इसको पीछे ले जाएंगे। देन पीछे आपको लूज़ लूज़ इसको टक इन करना है जूडा पिन से। देन फ्रंट से आप दोनों का वॉल्यूम देख लीजिए बोथ साइड से। देन आपको इस पर भी आपको लेयर्स उठानी है इस तरीके से। स्प्रे करेंगे आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे, और जैसे आपके लेयर्स बनती हैं वो वैसे ही आपकी फिक्स हो जाएंगे इस तरीके से, ये देखिए। देन आपने जो जूडा पिन से आपने होल्ड किया है उसको आप बॉबी पिन से लॉक कर लेंगे टाइट करके। देन हम चलते हैं टॉप एरिया पे। इसको भी आपको सेम अदर साइड की तरफ वॉल्यूम देना है और सेम फॉल में आपको लेना है। जैसे हल्का सा माइनर सा बैक कॉम करेंगे आप रूट एरिया पे, फ्रंट के लिए सेक्शन छोड़ेंगे। अगर आपको वॉल्यूम की नीड लगती है तभी आप बैक कॉम करेंगे, नहीं तो आप अगर वॉल्यूम अच्छा है तो आपको बैक कॉम नहीं करना है। लेकिन मोस्टली हेयर थोड़ा कम होते हैं तो आपको थोड़ा बैक कॉम तो करना ही है ताकि थोड़ा वॉल्यूम हो। देन आपको ये ओसीस का स्प्रे करना है। अगेन इसको आप कॉम करेंगे अच्छे से, ये देखिए सारे छोटे जो फ्रिजी हेयर आते हैं उनको आपको कॉम में ले लेना है। नीट करके इसको कॉम करेंगे आप। देन सेम टेक्निक इसको स्प्रेड करना है, और नीचे जो फॉल है उसी फॉल के साथ में इसको मेंटेन करते हुए जस्ट पीछे आपने इसको लॉक करना है। ये देखिए पीछे हमने इसको जूडा पिन से होल्डिंग पे रखा है अभी। देन आपको इसके ऊपर भी आपको लेयर्स उठानी है इस तरीके से, ये देखिए जस्ट फिंगर की से आपको ये लेयर्स उठानी है इस तरीके से। देन स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे से आप इस लेयर्स को और शार्प करेंगे जस्ट डाउनवर्ड्स, जैसे उनकी फॉल गया हुआ है सेक्शन का उसी वे में आपको ये लेयर्स उठानी है जस्ट लूज हैंड से, ये देखिए। तो इस तरीके से आपको अदर साइड पे भी लेयर्स बनानी है। स्प्रे करेंगे आप जो छोटे फ्रिज आ रहते हैं फ्लाई हेयर्स आते हैं उनको आपको बिठाना है। फॉल आपको दोनों साइड का एक जैसा रखना है, ये देखिए। देन हम चलते हैं बैक की तरफ। जो सेक्शन आपने पीछे ले गए थे उसको भी आपको बॉबी पिन से टाइट करके लॉक कर देना है, ये देखिए इस तरीके से क्रिस क्रॉस करके। देन दोस्तों जो सारे हेयर हैं पीछे इनको हम टोंग मशीन से टोंग करेंगे जस्ट आउटर टर्न में अंदर की तरफ, ये देखिए जस्ट हम आउटर टोंग को घुमा रहे हैं इस तरीके से। आपको इसको कर्ल्स करना है। अदर साइड से भी आप जस्ट अंदर की तरफ आपको उसको टर्न करना है, ये देखिए जस्ट अंदर की तरफ, ये देखिए आपको हल्का सा इसको टर्न करना है। सेम हम इस सेक्शन को भी करेंगे अंदर की तरफ टर्न करेंगे इसको, इसको भी कर्ल्स करेंगे हम, ये देखिए इस तरीके से। आपको फ्रंट के भी जो फेस फ्रेमिंग के लिए आपने सेक्शन छोड़े हुए थे उनको भी हम टोंग कर लेंगे अदर साइड से भी। सेम आपको इसको भी टोंग करना है, जस्ट सॉफ्ट वेव रखना है आपको जो अपने फ्रंट फेस फ्रेमिंग के लिए जो सेक्शन छोड़े हुए हैं, ये देखिए जो छोटे छोटे फ्रिजी हेयर आते हैं उनको आपको साथ साथ में नीट कर देना है। देन दोस्तों हमें जो सेक्शन हमने कर्ल्स किए हुए हैं उनको आपको जस्ट पीछे हमें सेट करना है। तो ये सबसे पहले हम इसको ट्विस्ट करेंगे बैक कॉम करके। आपको थोड़ा लूज़ लूज ही इसको ट्विस्ट करते हुए एक डिज़ाइन ट्विस्ट डिज़ाइन देते हुए लेयर्स बनाते हुए आपको इसको फिक्स करना है। ये देखिए जैसे मैंने किया जस्ट इसको ट्विस्ट किया एंड देन उसके ऊपर हमने लेयर बनाते हुए उसको जस्ट ऊपर आपको अदर साइड तक ले जाना है। ये देखिए सेक्शन पे भी आपको बैक कॉम करना है। इस वाले सेक्शन को भी आप सेम पैटर्न से इधर ले जा सकते हो, बट पहले हम अदर सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। अदर साइड से भी जो हमने सेक्शन पिनअप किया हुआ है उसको आप जस्ट आपको अपोजिट साइड तक ले जाना है सेम टेक्निक यूज़ करके। ये देखिए जो लेयर्स आपने बनाई हुई है तो बीच बीच में आप जूडा पिंस लगा सकते हैं उनके सेपरेशन के लिए। देन अदर साइड में जो सेक्शन ये छोटा वाला सेक्शन लेंगे हम, इसको भी आपको बैक कॉम करना है हल्का सा। देन स्प्रे करेंगे जस्ट आपको इसको ट्विस्ट करना है, ये देखिए जस्ट हम इसको भी ट्विस्ट करेंगे अंदर की तरफ। देन आपको लेयर्स इसमें उठानी है, लेयर्स हमें थोड़ा डिस्टेंस में ही रखनी है, और जो लेयर्स हमने अदर सेक्शन की बनाई हुई हैं उससे आपको जस्ट मर्ज करते हुए ये आपको लेयर्स उठानी है और जस्ट आपको इसको अदर कॉर्नर तक ले जाना है, ये देखिए इस तरीके से। आप चाहे तो सेम पैटर्न इसको रख सकते हो लेयर्स टू लेयर्स। आपको लेयर्स के पॉइंट जो है एक दूसरे से कनेक्ट करने हैं तो इसका पैटर्न एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा पूरे में,
तो उसकी काफ़ी अच्छी लुक आएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा लाइक आपके सेक्शन इवन नहीं आते हैं तो जस्ट आप ट्विस्ट टेक्निक यूज़ करके इसको डेकोरेट कर सकते हो, नहीं तो आप सेम पैटर्न इसको बना के जस्ट दो लेयर आप बना सकते हो ऊपर और नीचे की। लेकिन अगर आपको थोड़ा आप जल्दी में हो, आप अगर नॉर्मल सेक्शन जो आपने कर्ल्स किए उनको ट्विस्ट और पुलिंग टेक्निक यूज़ करके भी डेकोरेट करोगे तो भी वो अच्छा लगेगा। जैसे हम इसमें बनाएंगे दोस्तों, मोस्टली इतना टाइम होता नहीं है सीजन टाइम पे, तो आपको जो है बैक में जस्ट जो आपने कर्ल किए हुए हैं सेक्शन, उन कर्ल को आप सेम टेक्निक यूज़ करके फटाफट से आप पॉइंट पिन से लॉक करके इसको जल्दी से आप बना सकते हो। ये स्टाइलिंग आप गाउन के साथ में दे सकते हो, लहंगे के साथ में दे सकते हो, थोड़ी वेस्टर्न स्टाइलिंग है, अच्छा लगेगा और बहुत ही थोड़ी एडवांस लुक आती है इसकी, तो बहुत ही यंग लुक आती है, अलग काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी इंग्लिश अब्डो है ये, बहुत अच्छा लगता है और इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी आती है। जैसे ऑफ शोल्डर आ किसी का ड्रेस है, ऑफ शोल्डर लुक है उसकी, तो काफ़ी अच्छा लगेगा उसके साथ में, ये लहंगे के साथ में भी अच्छा लगेगा। तो सेम टेक्निक आपको यूज़ करनी है, जस्ट सेक्शंस को आपको ट्विस्ट करना है, बट आपको लेयर्स जो बनानी है थोड़ी सॉफ्ट बनानी है और फ्लफ़ी रखनी है, आपको टाइट नहीं करना सेक्शंस को ज़्यादा। बीच में आप फाइन पिंस लॉक करके लगा सकते हो तो ये लूज़ भी रहेगा और सेक्शन से ये खुलेगा भी नहीं, तो आपको लॉक करके फाइन पिंस दोनों तरफ से लॉक करके इसको लगाना है। ये देखिए इस तरीके से आप इसको सेट करोगे, बीच बीच में आप जूडा पिंस लगाएंगे इसकी स्प्रे से, आपको ये सेट करना है इस तरीके से स्प्रे करना है, और भी आप शार्प कर सकते हो उन लेयर को। देन अदर साइड से भी आपने जो सेक्शन छोड़े हैं उनको भी आपको सेम टेक्निक से कंप्लीट करना है, और जो बेस आपने बनाया है उसको आपको फुली कवर्ड करना है। जस्ट बैक कॉम करेंगे आप रूट एरिया पे, स्प्रे करना है आपको। बैक कॉम हम साइड कॉर्नर से थोड़ा रखेंगे बिकॉज ऑफ ये थोड़ा फ्रंट से भी विजिबल होना चाहिए और थोड़ा सा ये आउट बाहर आना चाहिए, आपके फ्रंट से भी दिखना चाहिए स्टाइलिंग, तो जस्ट आपको एयर से थोड़ा बाहर रखना है इसकी लुक। जस्ट अगेन सेम टेक्निक, ट्विस्ट किया सेक्शन को, पुलिंग टेक्निक यूज़ करी, बीच में आपको ये जूड़ा पिंस लगानी है होल्डिंग के लिए, देन बाद में हम इनको रिमूव कर देंगे और उनकी जगह पे फाइन पिंस को हम प्लेस कर देंगे। ये देखिए लुक के हिसाब से आपको सेक्शन को जस्ट ट्विस्ट करना है, पुलिंग करना है, पुलिंग टेक्निक इसमें यूज़ करनी है, और जस्ट जहां आपको अच्छा लगता है प्लेसमेंट के हिसाब से जब आप बना रहे होंगे तो आपको जस्ट वहीं पर उसको लॉक कर देना है फाइन पिन से। अभी हम बीच बीच में जूड़ा पिंस लगा रहे हैं होल्डिंग के लिए, बट बाद में आपको फाइन पिंस को दोनों तरफ से लॉक करके इनके जगह में रिप्लेस कर देना है, तो आपके सेक्शन भी सेट हो जाएंगे और लॉक भी हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। बीच बीच में जो छोटे फ्लाई हेयर फ्रिजनेस आती है आपको नीटनेस के साथ में बनाने दोस्तों, क्योंकि नीटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टाइलिंग में, तो आप जब भी बना रहे हो तो आपको नीटनेस के साथ में ही इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए रेस्ट ऑफ सेक्शन को भी आपको सेम टेक्निक से यूज़ करना है, जस्ट ट्विस्ट किया और पुलिंग टेक्निक इसमें यूज़ करनी है, स्प्रे करना है, नीट करना है, देन बीच में आपको ये जूड़ा पिन से, अभी हम इसको होल्डिंग के लिए लगा रहे हैं, और जूड़ा पिन से भी आप इसको लॉक कर सकते हो, बट आपको वर्टिकली लगानी है जूड़ा पिन, जो दिखे भी ना और आपका सेक्शन भी लॉक हो जाए, तो आपको थोड़ी वर्टिकली ये लगानी होती है। ये देखिए इसको जस्ट आप अदर साइड कॉर्नर तक ले जाएंगे और आपको इसको लॉक कर देना है। ये देखिए बीच बीच में आप और भी जूड़ा पिंस लगाएंगे आपके स्टाइलिंग की नीड के अकॉर्डिंग। ये देखिए इस तरीके से आप बीच बीच में जूड़ा पिंस लगा देंगे, जो अदर साइड में हमने सेक्शन छोड़ा हुआ है उसको भी आपको प्लेसमेंट के हिसाब से सेट करना है। बहुत इजी है दोस्तों, बस जस्ट आपने जो कर्ल्स किए हुए सेक्शन है उनको आपको इसी ट्विस्ट टेक्निक से और पुलिंग टेक्निक से आपको जस्ट जो बेस आपने बनाया उसके ऊपर उसको डेकोरेट कर देना है, और दैट्स इट। आपके स्टाइलिंग की लुक जब आप बनाते जाएंगे तो कंटिन्यूसली आती जाएगी, आपको ऑटोमेटिकली पता चलता रहेगा कि कहाँ पे अभी सेक्शन एड ऑन होना है, कहाँ पे इसकी नीड पड़नी है, तो जस्ट आपको स्टार्टअप करना है और आपके स्टाइलिंग का एंड तो वैसे भी हो ही जाएगा। सो आपको प्लेसमेंट के हिसाब से जैसे आपको दिल को अच्छा लगे कि ये सेक्शन यहाँ पर अच्छा लग रहा है तो आपको जस्ट उसको वहीं पर सेट कर देना है, अपना आपको बेस्ट देना है। ये देखिए इस तरीके से आप उसको डेकोरेट करोगे बैक साइड में। बीच बीच में हम ये जूड़ा पिन लगाएंगे और लेयर्स को थोड़ा डिवाइड करेंगे, जहाँ पे आपको लेयर्स चाहिए तो आप बीच में आप जो है जूड़ा पिन से इसको होल्ड करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उनके बीच में। ये देखिए
जस्ट आप पुलिंग टेक्निक यूज़ करके जो है इन लेयर्स को आप और शार्प कर सकते हो, जहाँ पे आपको नीड है आप पुल करके उन लेयर्स को और भी आप शार्प कर सकते हो। इस तरीके से ये जूडा पिन से आपको लॉक करना है, स्प्रे करना है आपको स्ट्रॉन्ग वाला जैसे आपने लेयर्स बनाई हैं, ताकि वो एज इट इज़ जैसा शेप आपने दिया है वो वैसे सेट हो जाए। ये देखिए जूडा पिन्स को आपको वर्टिकली इंसर्ट करना है। ये मैं अभी फाइन पिन्स लगा रहा हूँ, ये देखिए छोटी छोटी फाइन पिन्स होती हैं, ये आपके सेक्शंस को भी लॉक कर देती हैं और ये खुलती भी नहीं है। बट आपको इनको टेक्निक क्लाइंट को ओपन करने की टेक्निक ज़रूर मेंशन कीजिए कि कैसे हम इसको ओपन करते हैं, बिकॉज ऑफ़ ये आपके बालों में अंदर फंस जाती हैं और दिखते भी नहीं हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ पिन्स लगी हुई हैं। छोटी होती है, इनविजिबल फाइन पिन्स होती हैं, तो लॉक करने के बाद इनका पता नहीं चलता, सेक्शन भी लॉक हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि सेक्शन किस पिन से लॉक हो रखा है, इसीलिए इनको इनविजिबल पिन्स बोलते हैं। ये देखिए ऐसे आप बीच बीच में लगा देंगे, आपको या तो लॉक करके लगानी है या तो वन साइड लॉक करके भी आप लगा सकते हो, ताकि क्लाइंट को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आपको उनको मेंशन जरूर कीजिएगा, उनको बताइएगा ज़रूर कि कैसे ये ओपन होती है। देखिए इस तरीके से जस्ट आपको ये लगानी है। ये देखिए तो कुछ इस तरीके से इसकी लुक आनी है दोस्तों, जहाँ पे आपको कमी लगती है वहाँ पे आपको देखना है। अगर आपके लेयर्स को आपको बैलेंस करना है, आप लुक देखिए आपको पता लग जाएगा जहाँ पे आपको कमी दिखती है, तो आपको फाइन पिन से वहाँ पे उस कमी को आपको पूरा करना है। देखिए जो ऊपर के लेयर्स हैं उनको भी आपको लॉक करना है, उनके एंड्स पॉइंट्स पे जो जूड़ा पिन्स आपने लगाई हुई है उनको हम रिमूव कर देंगे और उनकी जगह पे आपको फाइन पिन्स को प्लेस करना है। ये देखिए इस तरीके से आपको लुक देनी है कंप्लीट, अपना टचअप देना है आपको, फिनिशिंग देनी है एंड में स्टाइलिंग के दौरान। जब आप स्टाइलिंग का एंड करते हैं लास्ट में आपको ये ओसिस का स्प्रे यूज़ करना है फॉर फिनिशिंग के लिए, शाइन लुक के लिए, फ्रेश लुक के लिए। ये देखिए इस तरीके से आप उसको कंप्लीट करोगे, जैसे आपको बैलेंस करने हैं सारे लिए उसको पुलिंग टेक्निक यूज़ करके, जहाँ पे आपको कमी लगती है तो आप जस्ट पुल कर सकते हो और टेक्सचर को और भी आप अच्छे से वॉल्यूमाइज़ कर सकते हो। ये देखिए हमने इसको ड्रेस बना दिया, देन हम उसको टॉप पे जो है इसका टियारा लगाना है। इस तरीके से हम थोड़ी प्रिंसेस लुक इसकी बना रहे हैं विद सेंटर पार्टीशन के साथ में, तो जस्ट आपको टियारा जो है टॉप पॉइंट पे लगाना है। टियारा का जो टॉप पॉइंट होता है आपकी मिडिल पार्टीशन से मैच करना चाहिए, स्ट्रेट आना चाहिए। देन दोनों साइड से हम इसको बॉबी पिन से लॉक कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों आपको इसको टाइट करके लॉक करना है, ताकि ये डांस के दौरान जो हो ख़राब ना हो। ये देखिए इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे। बैक साइड से भी आप इसको एक्सेसराइज कर सकते हो विद बैंड टाइप लुक लगा के, जैसे बैंड टाइप में हेयर एक्सेसरीज आती है, जैसे आपको टॉप पे जो डिज़ाइन आपने क्रिएट किया है उसके टॉप पे आप उसको लगा सकते हो, थोड़ी बैक से भी लुक इन्हेंस हो जाएगी। बॉबी पिन से आप इसको सिक्योर करोगे, बट आपको केयरफुली सिक्योर करना है। ये देखिए नहीं तो इसके जो डिज़ाइन होता है ये स्टाइलिंग को ख़राब भी कर सकते हैं, तो आपको जस्ट आपको पहले ट्रायल बेसिस पे देखना है ऊपर ऊपर से, देन आप इसको सेट करोगे। ये देखिए इस तरीके से इसकी कंप्लीट लुक आनी है, एंड में आपको इसको फिनिशिंग भी देनी है। ये देखिए अगर आपको लगता है कहीं भी एक्सेसरीज लगाने के टाइम पे थोड़ी सी स्टाइलिंग डिसमिस हो जाती है, तो आपको उसको सही से दोबारा से उसको रिशेप करना है, अगेन उसको फिक्स करना है कि विद एक्सेसरीज के साथ में कहीं से आपकी लुक डिसअपॉइंट तो नहीं हो रही है, तो उस हिसाब से आप इसको डिफरेंट सेट करोगे। ये देखिए ये कम्प्लीट लुक है। सो दोस्तों ये है कंप्लीट लुक, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेंशन जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और आइकन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ये मैंने एक छोटी वीडियो क्लिप भी बनाई थी, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ दोस्तों। सो इस तरीके से इसकी कंप्लीट लुक आनी है। सो ये थी दोस्तों आज की हेयर स्टाइलिंग, कुछ इस तरीके से आपको ये बनाना है विद टियारा के साथ में और बैक एक्सेसरीज़ के साथ में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।
हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ये लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। दोस्तों, मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपके कोई कमेंट्स होते हैं, कोई सुझाव होते हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और आइकन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी या मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक डिसलाइक ज़रूर किया करें, इससे हमें पता चलता है हमारी बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और बहुत समय लगता है, सो प्लीज़ इसमें रिएक्ट ज़रूर करें, रिएक्शन ज़रूर दें। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ मेंशन ज़रूर करें कि आपको क्यों पसंद नहीं आ रही, ताकि हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें। सो दोस्तों, तब तक अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।